नमस्कार। आज हम जिस प्रश्न पर अध्ययन करेंगे वो आपका फरवरी 2014 में आया हुआ प्रश्न है और वो 6-8 में आया हुआ है। आप इस प्रश्न को प्रीवियस ईयर में खोज सकते हैं और इसके आंसर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए भी प्रश्न लेके आते हैं क्योंकि उसको एनालिसिस करने का आपका जो पावर है, कैपेसिटी है, हम उसको बढ़ा सके। क्योंकि हर प्रश्न रिपीट नहीं करेगा, तो लाख आप प्रश्न जो है सॉल्व किए रहिए प्रीवियस, तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि कोई एक ही प्रश्न बार बार आया। तो यहाँ हर बार अलग अलग प्रश्न आता है, लेकिन बात यह है कि जो आपका सिलेबस है वो रिमेन सेम है। मतलब आपका सिलेबस तो चेंज होता नहीं और उसी सिलेबस के पॉइंट से ही आपके प्रश्न आते हैं। तो आज का जो प्रश्न लिया है, आप पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि किस क्षेत्र से आया है। ये प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है। ये प्रश्न मैं इसलिए भी लेके आई हूँ क्योंकि इसमें दो क्षेत्र आपके दिख रहे हैं सिलेबस के। एक तो पियाजे की थ्योरी, ये आप जानते हैं कि इसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है, भाषा विकास, जो भाषा और विचार दो अलग चीज़ें आपकी होती हैं, इसके बारे में लोगों ने अलग अलग अपना व्यू दिया है। तो भाषा विचार दो जो आपका कंटेंट में दिया हुआ है उससे प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न आता है। दूसरा आपका जो पॉइंट है क्या, पियाजे की जो थ्योरी है इससे भी प्रश्न आपका कंफर्म रहता है कि आना ही है। अब हम इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखिएगा कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया। पहले तो अगर हम नहीं देखते कि कम लिखा है तो अक्सर हम क्या करते हैं, आंका गया पढ़ते हैं। पहला आप क्या गलती करते हैं, अक्सर ये हुआ है। देखिए हम क्या, नहीं या कम, दोनों चीज़ें हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं और डायरेक्ट देखते हैं क्षेत्र आंका गया। तो पहली गलती तो आप यहीं से कर देंगे। दूसरा आपको जो यहाँ एनालिसिस करना है कि पहले प्रश्न को दो बार पढ़िए। तो भाषा विकास के बारे में पियाजे की जो थियरी है वो क्या कहती है, यहाँ पे यह प्रश्न पूछ रहा है। अब आप विचार करिए, पियाजे की चार स्टेज थे कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट उन्होंने बताया था। जैसे पियाजे की थियरी के बारे में अगर पूछा तो याद करिए पियाजे ने किस चीज़ के लिए थियरी दी, तो वो आपका कौन सा प्रश्न था जो यह उत्तर देगा कि पियाजे ने कौन सी थियरी दी। तो आप याद करिए कि पियाजे की थियरी का नाम क्या था, तो संज्ञानात्मक विकास। कौन सा विकास, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास की बात यहाँ पर करी। इन्होंने चार स्टेज में इसको बांटा, आपका सेंसरी मोटर, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। अब जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक में होगा तो ऑलरेडी वो लैंग्वेज सीख चुका होगा। अब जो सेंसरी मोटर है, संवेदी गामक, उसमें भी आप जान रहे हैं कि बच्चा क्या संवेदना, जो उसकी इंद्रियां होती है बहुत एक्टिव होती है, उन्हीं से सीखता है। तो लैंग्वेज इसमें बोला गया कि लास्ट तक 200 वर्ड्स एटलीस्ट सीख लेता है, तो सीख तो लेता है लेकिन पियाजे के अनुसार कैसे सीखता है हमें ये जानना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका क्षेत्र है पियाजे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो दूसरा जो आपका स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक, ये क्या है, 2 से 7 वर्ष। देखिएगा सेंसरी मोटर या संवेदी गामक में कैसे सीखता है बच्चा, एक्टिविटीज से नहीं, मतलब आप एक तरह समझ सकते हैं कि जो अपनी इंद्रियां हैं उसके द्वारा सीखता है, तो नाम से अगर समझे, अगर नहीं याद आ रहा और लास्ट तक क्या 200 वर्ड्स माना जाता है कि सीख लेता है। लेकिन यहाँ देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पियाजे के अनुसार कौन सा स्टेज है, तो वो स्टेज है आपका पूर्व संक्रियात्मक, जब भाषा वो सीखना शुरू कर चुका होता है और सीख रहा होता है। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम फोकसली देखेंगे, तब आप यहाँ देखेंगे कि पियाजे ने जो क्षेत्र कम आका, तो 2 से 7 वर्ष का जो आपका ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में कौन कौन सी चीज़ें कही गई, तुरंत आप छाटना शुरू करिए। पहला ऑप्शन है अनुवांशिकता, सामाजिक अंतर्क्रिया, अहंग केंद्रित भाषा और विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। दिमाग में आप आंसर बना लीजिए और फिर देखिए आपने सही किया या नहीं। ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, ये एक टॉपिक है। आज हम सिर्फ एक प्रश्न का नहीं, एक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं कि भाषा विकास के बारे में जो प्रश्न आते हैं या पियाजे की थियरी के से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर अनुवांशिकता की बात कही जाए तो आपने शायद नहीं सुना होगा कि पियाजे ने अनुवांशिकता कहा, तो हो सकता है आप कह दें कि कम आंका गया, कह सकते। सामाजिक अंतर्क्रिया की बात करेंगे तो पियाजे ने इसकी भी बात नहीं करी, तो हो सकता है आप क्या इसको भी सही कर दें।
अगर आपने कम पढ़ा हुआ है तो अहं केंद्रित भाषा, तो देखिए अहं केंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म, ये बालकों का एक विशेष गुण था जब संवेदी गामक से या पूर्व संक्रियात्मक में रहते। तो ये टर्म तो प्याजे ने उसके संज्ञानात्मक विकास में ही यूज किया हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, कट। हम यहाँ पहले ऑप्शन कट करेंगे, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज होके ऐसे ऑप्शन लगा देते हैं जो हमने कहीं पढ़ा होता है, जैसे सुना होता है तो कहते हैं कि अरे ये तो सुना हुआ है, तो हम लगा, तो इसको तुरंत कट करिए क्या, क्योंकि यहाँ कम आंका गया के बाद, मतलब वो क्षेत्र उन्होंने एक तरह से निग्लेक्ट किया या कम उसको प्रायोरिटी दी। तो अहं केंद्रितता तो या आपके पूर्व संक्रियात्मक में एक विशिष्ट गुण है, तो भाषा सीखने में कैसे नहीं इफेक्ट करेगा, क्या भाषा अलग से सीखते हैं जैसे विकसित होते हैं, तो भाषा के जैसे विकास होता रहता है संज्ञानात्मक, उसी के प्रकार उसी के अनुरूप आप क्या करते हैं, भाषा भी सीखते रहते हैं। तो हमने क्या किया, ये ऑप्शन कट कर दिया। फिर है विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, तो बच्चा अक्सर इस अवस्था में क्या होता है कि पहले तो वो अपने इंद्रियों द्वारा सीखता रहता है, जो उसका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है उसके थ्रू, लेकिन जब ये चीज़ें वो व्यवहार में लाता है तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि वो जो सोचता है संज्ञान में चीज़ें उससे अपोजिट मिलनी शुरू हो जाती, वो हर चीज़ को जीवित मानता है, हर शब्द को क्या अपने संज्ञान से जोड़ता है, तो वो जो आपकी रचना होती है वो सक्रियात्मक होती ही है, तो आप इसको भी क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब बात आई आपकी सामाजिक अंतःक्रिया और अनुवांशिकता, अब इसमें कैसे आप, अब दो में या तो तुक्का मारिए आप और या तो विचार करिए, कैसे अनुवांशिकता और सामाजिक अंतःक्रिया दोनों की बात जब हम थ्योरीज जो हमें पढ़ाते हैं वो नहीं किए होते, लेकिन आप जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं पियाजे के अनुसार उसमें अनुवांशिकता का भी रोल रहा होगा, क्योंकि आपको मेंटल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या फिजिकली कोई भी डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट में अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है। लेकिन कोई कोई ऐसे थीरीज है जो सिर्फ अनुवांशिकता को मानती है, और कोई कोई थीरीज सिर्फ वातावरण को, और कई थीरीज दोनों के अंतःक्रिया को मानती है, तो वास्तव में दोनों की अंतःक्रिया होता है। लेकिन यहाँ क्या है, आप तो कर देंगे तब दोनों सही हो गया, लेकिन पियाजे ने क्या किया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया, तो उसमें अनुवांशिकता का रोल आपका होगा ही, तो इसलिए इस ऑप्शन को आप कट कर देंगे। आपका आंसर क्या रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया। अब बात करें अन्य किस विधि से इसको आप अलग कर सकते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखना जो पर्पज है, सामाजिक सांस्कृतिक जो थ्योरी है वाइगोत्स्की की, उन्होंने बोला है कि बालक इसके द्वारा सीखता, पियाजे ने नहीं बोला। तो या तो आपको, या अगर वाइगोत्स्की आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो यही तो मेन डिफरेंस था वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच में, कि किसी ने किसी चीज़ पे ज़्यादा आपका फोकस दिया और किसी ने अन्य चीज़ पे, तो ये जो क्षेत्र है वो आपका क्षेत्र वाइगोत्स्की का है, जो उन्होंने भाषा और विचार के बारे में बात कही। तो यहाँ पे आप अगर एनालिसिस कर लिए होंगे, इतने में आपका रिवाइज हो गया होगा, पियाजे एनालिसिस कर लिया होगा, तो आप तुरंत ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका 2014 फरवरी में आया हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार से किसी भी प्रश्न को आप छोटा मत समझिए कि तुरंत आंसर देखिए और उसको टिक कर दीजिए। जब भी आप पेपर सॉल्व करिए तो पूछिए कि ये हुआ कैसे, हमने अगर नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, या हमें नहीं समझ में आ रहा तो क्यों नहीं समझ में आ रहा, हमें रट के नहीं जाना, यहाँ समझ के जाना है, ताकि इससे रिलेटेड अगर अन्य क्षेत्रों में आपका प्रश्न आए तो आप उसे सॉल्व कर लें।